फ्रेंड्स, मेरी डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि पीप वाले दाने या जख्म जो है उसके लिए आप घर पे क्या टोटका जो है वो यूज़ कर सकती हैं, जिससे आप इस पीप वाले दाने से जो है आप छुटकारा पा सके। पीप का दाना जब तक फटता नहीं, आप उस पर नमक का लेप कर सकते हैं। नमक में आप थोड़ा सा पानी मिलाकर, जैसे मेहंदी को घोला जाता है, वैसे आप नमक को पानी मिलाकर इस तरह घोल मिला लें और इसको दाने के ऊपर लगा लीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन नमक क्योंकि खुश्क होकर गिर जाएगा और इंसान जारी बातें काम का छोड़कर बैठना पड़ेगा इसके लिए, तो इसके लिए आप खुसूसन अगर बच्चों के साथ दानों का मसला हो तो ये जो टोटका है जिस तरह यूज नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए आप टूथपेस्ट में जितना नमक हल हो सके उसमें मिला लीजिए और फिर इस मिक्सचर को जो है वो दाने के ऊपर अच्छी तरह मल दीजिए। थोड़ी देर में ये सूख जाएगा और ये उस वक्त तक लगाते रहें जब तक के दाना जो है वो फट नहीं जाता है। और जब ये पेस्ट जो है वो खुश्क हो जाए, सूख जाए, तो चंद कतरे पानी के इसके ऊपर डालेंगे तो मज़ीद जो है वो सारी बातें वो मिक्स होने के बाद मज़ीद अपना असर जो है वो कर पाएगा ये वाला टोटका। हो फ्रेंड्स, आपके लिए ये टोटका है जो बेस्ट साबित हो और आपको इससे यूजफुल फायदेमंद हो आपके लिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए टोटका जो है वो यूजफुल हो, आपके लिए बेस्ट साबित हो। और प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें आगे फ्रेंड्स के साथ और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और प्लीज़ अगर आप यहाँ पे न्यू फ्रेंड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।